हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिमरन फ्रॉम एम पी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा। वी आर कंटिन्यू चैप्टर 5 पार्ट 4 कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ अबाउट द लेयर्स ऑफ पेट्रोलियम। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पंपिंग एंड ब्रॉट थ्रू पाइपलाइंस टू स्टोरेज एरियाज। इट इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल गैस इज मिक्स्ड विद अ केमिकल दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग ऑडर सिमिलर टू दैट ऑफ रॉटन एग्स। दिस ऑडर हेल्प्स इन डिटेक्टिंग लीकेज एंड पाइपलाइन एंड स्टोरेज टैंक्स। नेचुरल गैस क्या है? हमें फॉसिल फ्यूल्स है एक टाइप का, वो हमें कहाँ मिलती है? अर्थ क्रस्ट के में गहराइयों में मिलती है। उसको हम कैसे लेते हैं, हम उसे ऑब्टेन कैसे करते हैं? एक पाइपिंग के थ्रू करते हैं। पाइपिंग से हम पाइपलाइन लगाकर फिर उसको स्टोरेज टैंक से निकालते हैं, स्टोरेज एरिया तक उसे ले जाते हैं। और नेचुरल गैस क्या है? कलरलेस एंड ऑडरलेस। ना तो इसमें कलर होता है, ना ही इसमें कोई स्मेल होती है। तो इसको हम कैसे में कन्वर्ट करते हैं? हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पाइपलाइंस में भेजने से पहले ही हम इसमें एक कलर डालते हैं। देन इसमें हम एक ऑर्डर डालते हैं, किसकी तरह? सड़े हुए अंडे की तरह, रॉटन एग्स के लायक एक ऑर्डर इसमें डाली जाती है। देन फिर हम इसको क्या करते हैं, पाइपलाइन में सप्लाई करते हैं। और क्यों करते हैं? हम इसमें रॉटन एग्स की स्पेलिंग क्यों डाली? ताकि हम इसका डिटेक्टिंग कर सकें कि लीकेज हो रही है या नहीं उस टाइम पर। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम की कई सारी लेयर्स जमी हुई है। तो हमने यहाँ पे एक पाइपलाइन डाली ड्रिलिंग के थ्रू। हमने इसको क्या करा, ये ऑयल वेल को नेचुरल गैस यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हमने ऑब्टेन कर लिया। नेचुरल गैस इज लाइटर देन एयर एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ मेथेन। नेचुरल गैस क्या है? एयर से भी ज़्यादा हल्की होती है और मेथेन का कंसिस्टेंस होता है इसमें। मेथेन इज अ सिंपल हाइड्रोकार्बन। मेथेन क्या है? सिंपल हाइड्रोकार्बन है विच इज़ फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। इज अ सिंपल हाइड्रोकार्बन दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड हैज द केमिकल फॉर्मूला CH4। नेचुरल गैस इज अ क्लीन फ्यूल एंड इज हाईली फ्लेमेबल। ये क्या है? क्लीन फ्यूल है और ईजी गोइंग, ये जल जाता है। Now, uses of natural gas. Some of the uses of natural gas are listed here. First is, it is used as a fuel in homes for cooking and heating purpose. नेचुरल गैस का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? हमारे घरों में करते हैं, कुकिंग करने में एंड हीटिंग पर्पस से, किसी भी चीज़ को हीट करने में। इट इज़ यूज इन फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। ये हमारे फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में यूज़ में आता है। किस यूज़ में आता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। कंप्रेस नेचुरल गैस CNG इज एन अल्टरनेटिव टू पेट्रोल दैट इज प्रोड्यूस कंप्रेसिंग नेचुरल गैस। इट इज़ यूज टू रन व्हीकल nowadays. आजकल हम व्हीकल्स में क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम की जगह CNG का भी यूज़ करने लगे हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील ग्लास एंड प्लास्टिक। इसको हम नेचुरली स्टील ग्लास एंड प्लास्टिक के बनाने में भी यूज में लेते हैं। इट इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नेचुरल गैस का हम अमोनिया एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन में भी यूज लेते हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल आर द केमिकल्स ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोकेमिकल एक टाइप का केमिकल है जिसे हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किससे बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स से। देयर आर ओवर 4000 प्रोडक्ट्स क्लासीफाई एज पेट्रोकेमिकल एंड दे रेंज फ्रॉम सिंपल वैक्स कैंडल टू एविएशन फ्यूल्स। जो 4000 प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोकेमिकल्स में क्लासिफाई होते हैं। देन रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉमोडिटिव सच एज सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एक्सप्लोजिव पॉलीमर्स, डाइज, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, शू पॉलिशेस एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय पेट्रोकेमिकल। सो रॉ मटेरियल्स का हम यूज़ किस में करते हैं? इन सभी के फॉर्मेशन में, सिंथेटिक रबर, फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एक्सप्लोजिव पॉलीमर्स, डाइज, ड्रग्स एक्सेट्रा। अनफॉर्चुनेटली 85% ऑफ द करंट ग्लोबल एनर्जी सिस्टम इज बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। लेस देन 2% ऑफ टूडेज ग्लोबल एनर्जी डिमांड इज मेड बाय विंड एंड सन। देखिए, अनफॉर्चुनेटली 85% ऑफ द करंट ग्लोबल एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फॉसिल फ्यूल से, विच इज प्रेजेंट इन लेसर इन क्वान्टिटी आवर अर्थ। ठीक है, लेस देन 2% ऑफ टूडेज ग्लोबल एनर्जी डिमांड मेड बाय विंड एंड सन। हमें ओनली 2% ही एनर्जी विंड एंड सन से मिलती है। अदरवाइज 85% हमें ग्लोबल एनर्जी की नीड कहाँ से होती है, कहाँ से कंप्लीट होती है? फॉसिल फ्यूल्स के, जो कि हमारे अर्थ पर बहुत लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं।
It is predicted that by the end of this century, nearly all of the recovered fossil fuel will be gone. So to use the fossil fuel for long time, we have to conserve them. अब हमें इस सभी को बचाने के लिए क्या करना होगा? इनका conservation करना है, start करना होगा. Next topic is conservation of fossil fuels. Fossil fuels such as coal and petroleum are exhaustible. जैसा कि हमने last class में पढ़ा था कि fossil fuel क्या है? Exhaustible natural resource है जो कि कभी भी हमारा ख़त्म हो सकता है. ठीक है, it took million of year ago for them to form from plant and animals. ये कैसे? Million of year ago से plants and animals dead vegetation को buried होने के बाद ही तो हमें मिला था उनके remains से. However, the non-reserves of the fossil fuel will last only a few hundred years ago. इस प्रकार क्या है, fossil fuel last 100 years आगे हमें मिल सकता है, then उसके बाद ये क्या है, exhaustible है तो ये ख़त्म हो जाएगा. It is therefore necessary that we use this fuel judiciously. ये ज़रूरी है कि हमें इन फ्यूल्स का जुडिशियली यूज़ करना होगा. द केयरफुल एंड जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इन एनर्जी रिसोर्सेज का हमें जुडिशियली यूज़ को ही क्या कहते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल रिजल्ट इन देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम एंड वी कैन डू सो बाय फॉलोइंग दीज वेज. हमें इनको इस तरह से कंजर्व करना है कि हम इसको आगे ज़्यादा टाइम तक इसको मेंटेन रख सकें, पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल्स को. नेक्स्ट टॉपिक इज बी एनर्जी एफिशिएंट. एनर्जी एफिशिएंसी इज द की टू मिनिमाइज कार्बन डाइऑक्साइड. एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की एक की है, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमाइज करने के लिए. विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. दैट्स वाई एनर्जी एफिशिएंसी को हमने की बनाया हुआ है जो इसको मिनिमाइज कर सके CO2 को. मेक मोर एफिशिएंट मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल इंजन, स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस एंड टेलीविजन सेट्स वेन नॉट इन यूज. यूज एयर कंडीशनर एंड हीटर्स जुडिशली. यूज LED बल्ब इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल बल्ब. हमें क्या करना है, इन सभी यूज का, अगर हम लाइट का यूज़ नहीं आ रहा तो हम सभी को स्विच ऑफ कर देना है, और हमें LED बल्ब का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल बल्ब के. नेक्स्ट टॉपिक इज यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. वी शुड बिगिन इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स. हमें क्या करना होगा, सोलर पैनल को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देना होगा. सोलर पैनल्स का हम यूज़ करेंगे एज अ एनर्जी. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एनर्जी कॉस्ट एज वेल एज कंजर्विंग फॉसिल फ्यूल्स. किसमें हेल्प करेगा ये? एनर्जी कॉस्ट को तो रिड्यूस करेगा ही सही, उसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल का कंजर्विंग भी करेगा एंड रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन. कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को भी ये रिड्यूस कर देगा. In addition, alternative sources of energy such as solar energy, wind energy and tidal energy should be used whenever possible. Solar energy के साथ साथ हम इन सभी energies, solar energy, wind energy and tidal energy का भी use कर सकते हैं. Next topic is reduce the use of plastics. Plastics are practically all around us. प्लास्टिक जो है हमारे चारों तरफ होते हैं, हम प्रैक्टिकली उन्हें यूज़ करते हैं. बट मैनी ऑफ अस आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट डेट इट इज़ मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. हमें ये नहीं पता लेकिन कि ये जो प्लास्टिक्स है वो किससे बना है, फॉसिल फ्यूल से ही बना हुआ है. प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एज वेल एज. क्या है, प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिन्हें किसी भी बैक्टीरिया के थ्रू उनका डिग्रेडेशन नहीं होता है. Hence, we must try to follow the 5R principle. हमें क्या करना होगा, 5R principle का use करना होगा, which is reduce, reuse, recycle, reform and recover. This principle is used to minimize the consumption of non-biodegradable materials. इस principle का use करते हुए हम क्या कर सकते हैं, non-biodegradable materials को अर्थ में मिलने से रोक सकते हैं और इनका हम use भी कर सकते हैं. Next topic is opt for active travel options. Transport is a key contributor to emission of harmful gases that contribute to climate changes. ट्रांसपोर्ट हम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जब हम करते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं. तो ये क्या है, एक इमिशन है हार्मफुल गैसेज का. इससे हमें हार्मफुल गैसेज निकलती है जो कि हमारे क्लाइमेट को चेंज करती है. इफ़ पीपल रिड्यूस द यूज़ ऑफ दियर कार्स, अगर कुछ लोग अपनी कार्स का यूज़ करना कम कर दें, वी विल बी एबल टू सी इम्प्रूवमेंट बोथ इन टर्म्स. हम क्या देखेंगे कि क्लाइमेटिक चेंजेस में इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. इन टर्म्स ऑफ इमिशन रिडक्शन एंड एयर क्वालिटी, हमारी एयर क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी.
वी ऑल मस्ट ऑप्ट फॉर एक्टिव ट्रेवल ऑप्शन सच एज साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और कारपूल्स। हमें क्या करना होगा, हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा पास ही जाना है तो हम साइकिलिंग का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें सच एज बस एक्सेट्रा, कारपूल्स का यूज़ करें। बट इस कारपूल्स, कारपूल्स में क्या होता है, जैसे पड़ोसी एक साथ एक ही कार में चले जाएँ, दैट इज़ कारपूल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द एनवायरनमेंट टूडे। जब हम फॉसिल फ्यूल्स का हमारी लाइफ में डिमांड इंक्रीज़ होने लग जाती है तो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा हार्म है फॉसिल फ्यूल का। द बर्निंग ऑफ टुडे फॉसिल फ्यूल रिलीज वेरियस हार्मफुल गैसेस। फॉसिल फ्यूल्स हमारे जब इनको बर्न होते हैं तो काफ़ी सारी गैसेस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को तो हार्म होता ही है, उसके साथ साथ एक और होती है ग्लोबल वार्मिंग हमारे एनवायरनमेंट में होने लग जाती है। और वो गैसेस कौन कौन सी है जो इसके थ्रू एक्सक्रीट होती है, वो है सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच लीड ग्लोबल वार्मिंग्स एंड पोल्यूट एयर वाटर एंड लेड्स। When fossil fuels are burned, a large amount of carbon dioxide and other gases are released into the atmosphere. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि fossil fuels जब burn होते हैं तो कई सारे gases जो हैं वो release होती है, तो large amount of carbon dioxide and other gases are released into atmosphere. The carbon dioxide trap the solar radiation. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सोलर रेडिएशन को एनवायरनमेंट में ट्रैप कर देता है, ट्रैप द सोलर रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस रिजल्ट इन राइजिंग द अर्थ टेम्परेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिजल्ट में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हमारे अर्थ जो है वो वार्म होने लग जाता है। ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू मेल्टिंग टू द पोलर आइस कैप्स, कॉजिंग ओशन लेवल्स टू राइज एंड सबमर्जिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। इसमें क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमारे जो ओशंस हैं उनका लेवल, वाटर लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा, और जो लो लिविंग एरियाज में लोग रहते हैं उनका क्या होगा, वो सबमर्ज हो जाएंगे। ओके, देन उनका घर डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारे जितने भी आइस कैप्स हैं वो क्या होगा, वो भी मेल्ट होने लग जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कॉजिंग ओशन लेवल टू राइज, जो हमारा ओशंस का लेवल है वो अप होने लग जाएगा। एंड सबमर्जिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, और जो लो लाइंग एरियाज हैं वो सबमर्ज यानी डूबने लग जाएंगे। देन इससे क्या होगा, हमारी अर्थ को काफ़ी ज़्यादा हार्म होगा। थैंक यू सो मच।